नमस्कार, रेडियो खांची 90.4 FM, हम सब का रेडियो। मैं मोहित कुमार लाल, सहायक प्राध्यापक इतिहास विभाग SS मेमोरियल कॉलेज कांके रोड रांची, आज आप लोगों के सामने एडॉल्फ हिटलर के विषय में बताने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। एडॉल्फ हिटलर इतिहास का एक प्रसिद्ध नाम है, जिसने 6 वर्ष में जर्मनी को विश्व शक्ति बना दिया। 1933 में वह जर्मनी का प्रधानमंत्री बना, 1934 में वह जर्मनी का फ्यूरर बना और 1939 में उसने समस्त विश्व को चुनौती दी। यह सत्य है कि वह विश्व शांति के लिए एक खतरा बन गया था, किंतु उसके जीवन की गाथा अत्यंत ही प्रेरणास्पद है। उसने एक निम्न स्थिति से अपना जीवन प्रारंभ किया और जर्मनी का भाग्य विधाता बन गया। एडॉल्फ हिटलर का जन्म 1889 ईस्वी में वियना के निकट एक सोनार के घर हुआ था। उसने मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास की, उसके बाद वह वियना के कला विद्यालय में नामांकन कराना चाहता था। उसकी रुचि पेंटिंग में थी, किंतु वहां उसे नामांकन नहीं मिल सका, अतः वह म्यूनिख चला गया। वहां वह सड़क किनारे खड़ा होकर तस्वीर बनाकर लोगों को दिखाता था और अपना जीविका चलाता था। 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, तब वह जर्मन सेना में शामिल हो गया। उसे बहादुरी के लिए आयरन क्रॉस मिला। जब 11 नवंबर 1918 को जर्मनी ने विराम संधि पर हस्ताक्षर किए, तब एडॉल्फ हिटलर अस्पताल में था। विराम संधि की बात सुनते ही उसका खून खौल उठा। उसने कहा था, यह यहूदियों का षड्यंत्र है, क्योंकि जर्मन एक विजयी जाति है जो पराजित नहीं हो सकती। इसके बाद वर्षाई की संधि ने उसके आक्रोश को और अधिक बढ़ा दिया। यह एक अपमानजनक संधि थी जो जर्मनी पर लाद दी गई थी। इसके बाद वह एक राजनीतिक संगठन बनाने की ओर अग्रसित हुआ। 1923 में उसने नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, जिसे कालांतर में नाजी दल के नाम से पुकारा जाता है, कि संस्थापक बन गया। इसने इसी वर्ष म्यूनिख में अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर विद्रोह करने का प्रयास किया, किंतु यह विद्रोह असफल रहा और वह गिरफ्तार हो गया। उसे जेल भेज दिया गया। वह 5 साल का दंड उसे दिया गया था, 5 साल की सजा जेल में रहने की। इसी दौरान उसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक मैन कैम्प की रचना की, जिसे हिंदी में मेरा संघर्ष कहा जाता है। इस पुस्तक में उसने अपने भावी कार्यक्रम, योजनाएं, दर्शन आदि का उल्लेख किया। अच्छे व्यवहार के कारण एक वर्ष बाद 1924 में उसे छोड़ दिया गया। जब वह जेल से बाहर आया, तब उसने पुनः अपने दल को संगठित करने का प्रयास किया। उसने अपने विरोधियों को अपने दल से निकाल दिया और अपने निश्चित कार्यक्रम के साथ उसने अपना संगठन बनाया। उसकी संगठन की सबसे बड़ी विशेषता स्वयंसेवकों की भर्ती थी। उसने 2 प्रकार के स्वयंसेवक भर्ती किए। एक को SA कहा जाता था, जो अपनी पार्टी का प्रचार करते थे, अपनी पार्टी की मीटिंग को आयोजित करते थे और अपने विचारों को प्रचारित करते थे। दूसरा संगठन एक गोपनीय संगठन था, जिसे SS कहते थे, या गुप्त सेना की तरह था। इसके सदस्य काली कमीज पहनते थे और उस पर खोपड़ी का निशान होता था। इनका प्रमुख काम गुप्तचरी करना और दूसरी पार्टियों की मीटिंग को तोड़ देना होता था। ये दोनों सीधे एडॉल्फ हिटलर के नियंत्रण में काम करते थे। इसी समय एडॉल्फ हिटलर को जोसेफ गोगल नाम का एक व्यक्ति मिला, जिसे उसने अपने पार्टी का प्रचार मंत्री बनाया। गोगल एक बड़ा कुशल प्रचारक था। वह कहा करता था, सत्य को सत्य बनाने के लिए प्रचार की आवश्यकता होती है। उसका प्रसिद्ध कथन था, झूठ को इतनी बार बोलो कि वह सत्य बन जाए। अर्थात हिटलर की विचारधारा का आधार यह था कि लोगों को वह मानने के लिए बाध्य किया जाए जो नाजी दल लोगों को समझाना चाहता है। 1928 के मई में जब देश में चुनाव हुआ, तब नाजी दल को केवल 12 स्थान मिले, किंतु 1929 में
जब महान आर्थिक मंदी आई तब नाजी दल लोकप्रिय हुआ। 1930 के चुनाव में उसे 107 सीट मिली। यह एक भारी उछाल था और यह नाजी दल की बढ़ती लोकप्रियता का परिचायक था। 1932 में देश में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, जिसमें राष्ट्रपति हिडनबर्ग के विरुद्ध एडॉल्फ हिटलर खड़ा हुआ। एक सामवादिक प्रत्याशी भी खड़ा हुआ था। इन त्रिपक्षीय मुकाबले में हिटलर पराजित हुआ, किंतु उसे 30.1% वोट मिले। हिडनबर्ग को 49.6% वोट मिले। यह हिटलर की बढ़ती लोकप्रियता का परिचायक था, क्योंकि 1930 के संसदीय चुनाव में उसे 107 सीटें और कुल वोट का 20% मिला था। 2 वर्ष के अंदर मतदान में 10% का उछाल आया था। इसी वर्ष संसदीय चुनाव में उसे 230 स्थान मिले, जबकि देश में 576 संसद के सीट थे, अतः यह बहुमत से बहुत कम था, लेकिन शेष पार्टियों से ज़्यादा था। हिडनबर्ग को 1933 में विवश होकर हिटलर को प्रधानमंत्री बनाना पड़ा, अर्थात जर्मन चांसलर। हिटलर इससे संतुष्ट नहीं था, उसने संसद भंग कर दी और 31 जनवरी को नया चुनाव करवाने की घोषणा की। चुनाव के ठीक पहले दिन संसद में आग लगा दी गई। आरोप साम्यवादियों पर लगाया गया। एक अर्धविक्षिप्त व्यक्ति इसमें पकड़ा गया, उसे साम्यवादी दल का सदस्य बता दिया गया। इससे देश में जो चुनाव हुए उसमें नाजी दल को संसद में बहुमत मिल गया। 1 वर्ष बाद हिडनबर्ग की मृत्यु हो गई और एडॉल्फ हिटलर ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पद को मिला दिया और स्वयं देश का फ्यूरर बन गया, अर्थात अधिनायक। हिटलर देश का अधिनायक बन गया और देश में सर्वसत्तावादी राज्य स्थापित हो गया। इसके पूर्व भी यूरोप में यह प्रक्रिया चल रही थी। इटली में मुसोलिनी देश का ड्यूचे अर्थात नेता बन चुका था। जापान में इसी समय सैनिकवाद का विकास हो चुका था और मंचूरिया संकट सामने आ चुका था। हिटलर को इस अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति का लाभ भी मिला। यहाँ विचारणीय विषय यह है कि हिटलर इतना लोकप्रिय कैसे हुआ, कैसे एक मामूली व्यक्ति 15 वर्ष के अंदर देश का अधिनायक बन गया और जर्मनी का में सर्वसत्तावादी राज्य स्थापित हुआ, जिसे नाजी राज्य की संज्ञा दी गई, जहाँ समस्त शक्तियाँ एडॉल्फ हिटलर के हाथों में थी। वह देश का भाग्य विधाता था। इसके पीछे अनेक कारण थे। सबसे प्रमुख कारण 1919 की वर्षाए की संधि थी। अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने घोषणा की थी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद कोई विजित या पराजित राष्ट्र नहीं रहेगा, सब मिलजुल के शांति सम्मेलन में संधि करेंगे, किंतु हुआ जस्ट इसका उल्टा। जर्मनी पर अपमानजनक वर्षाए की संधि लाद दी गई। यह एक आरोपित और कठोर संधि थी। जर्मनी के पास कोई विकल्प नहीं था हस्ताक्षर करने के अतिरिक्त, क्योंकि ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज ने कहा था कि यदि आप वर्षाए में हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो बर्लिन में तो करना ही पड़ेगा। यह साफ धमकी थी कि सेना जर्मनी को वर्षाए की संधि पर हस्ताक्षर कराएगी। इस संधि के अनुसार जर्मनी के अनेक प्रांत उससे ले लिए गए थे। जर्मनी का सारा उपनिवेश ले लिया गया। उसकी सेना की संख्या 1 लाख निश्चित कर दी गई। उसके अस्त्र ले लिए गए। जर्मनी का अंग भंग कर दिया गया था। स्वाभाविक था कि जर्मनी जैसा स्वाभिमानी राष्ट्र इस संधि को स्वीकार नहीं करेगा। हिटलर चीख चीख कर कहता था कि हमें वर्षाय के अपमान को धो देना है, और जनता उत्साहित हो जाती थी। उन्हें एक ही व्यक्ति दिखाई पड़ता था जो वर्षाय की संधि से उन्हें मुक्ति दिला सकता था, वह था हिटलर। इसके अतिरिक्त जब जर्मनी में वाइमर गणतंत्र बना तो धीरे धीरे आर्थिक स्थिति सुधर रही थी, किंतु 2 दुर्घटनाएं हुई। पहला स्टेट्समैन की मृत्यु और दूसरा 1929 की महान आर्थिक मंदी। महान आर्थिक मंदी ने जर्मनी के सुधरते हुए हालात को बर्बाद कर दिया। जर्मनी की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई। जर्मनी में लोग कहते हैं कि इस समय लोग
बोरा में पैसा लेकर जाते थे और रुमाल में सामान लेकर आते थे। इस परिस्थिति का लाभ एडॉल्फ हिटलर ने उठाया। उसने अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को इसके लिए दोषी बताया। वाइमर रिपब्लिक के नेताओं को भी आरोपित किया गया। 1928 के चुनाव में उसे 12 स्थान मिले थे, लेकिन आर्थिक मंदी के ठीक बाद 1930 के चुनाव में 107 सीट। यह इस बात का परिचायक है कि आर्थिक मंदी ने जर्मनी के में हिटलर के उदय को आसान बना दिया। तीसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि जर्मनी के लोग लोकतंत्र से बहुत अधिक अभ्यस्त नहीं थे। वहाँ वीर पूजा की परंपरा थी। 1919 तक वहाँ राजतंत्र था। वहाँ के हीरो फ्रेडरिक विलियम और विलियम प्रथम थे। वहाँ गणतंत्र की स्थापना केवल 10-12 वर्ष पूर्व हुई थी। अतः वहाँ की परंपरा ही यह थी कि लोग वीर पूजा किया करते थे बिस्मार्क हो अथवा हिटलर। उनकी जातीय परंपरा सैन्यवाद को प्रोत्साहित करती थी, जिसका लाभ हिटलर ने उठाया। इसके अतिरिक्त जर्मनी में साम्यवाद का भय था, क्योंकि इंग्लैंड के अतिरिक्त सबसे बड़ी साम्यवादी दल जर्मनी में ही थी। रूस की राजक्रांति के पश्चात साम्यवाद का भय और अधिक बढ़ गया था। इसी कारण व्यापारी, मजदूर, किसान सभी साम्यवाद को रोकने के लिए हिटलर के पीछे आ गए। उसने व्यापारियों को यह आश्वासन दिया कि उनकी संपत्ति सुरक्षित रहेगी। उसने मजदूरों को यह आश्वासन दिया कि उनका शोषण व्यापारी नहीं करेंगे। उसने बेरोजगारों को रोजगार का आश्वासन दिया और कई बेरोजगारों को अपने स्वयंसेवक के रूप में भर्ती भी किया। यह खतरा, साम्यवाद का खतरा, जर्मनी को ने हिटलर का साथ दिया। इसी प्रकार जर्मनी में यहूदी विरोधी भावनाएं बहुत उग्र थीं। हिटलर यहूदी, कैथलिक और साम्यवादियों का विरोध इसलिए करता था कि वे अंतर्राष्ट्रीयवादी थे। उनकी निष्ठा किसी राष्ट्र के प्रति नहीं थी। अतः यहूदी विरोध ने भी हिटलर को लोकप्रिय बनाया। इसके अतिरिक्त हिटलर का व्यक्तित्व भी बड़ा व्यापक था। वह एक कुशल वक्ता था। वह लोगों को अपनी ओर प्रभावित कर लेता था, जिसका लाभ उसके दल को मिला। वाइमर गणतंत्र की कमजोर स्थिति से भी उसे लाभ हुआ। वाइमर गणतंत्र अपनी स्थापना के बाद जर्मनी की समस्याओं का समाधान नहीं कर सका। अतः वह वाइमर गणतंत्र के नेताओं पर अयोग्यता का आरोप लगाता था। नाजी दल के कार्यक्रम भी काफ़ी लोकप्रिय हुए। बेरोजगारों को नौकरी, उपभोक्ताओं को उत्पादकों से संरक्षण, किसानों को सामंतों से सुरक्षा, मजदूरों को उद्योगों से पतियों से सुरक्षा जैसे कार्यक्रम उसने बनाए। उसने देश की बेरोजगारी हल करने का आश्वासन दिया। उनके इस कार्यक्रमों से जनता प्रभावित हुई और हिटलर के नेतृत्व को स्वीकार किया। हिटलर का मुकाबला करने के लिए इस समय जर्मनी में कोई भी नेता नहीं था जो उसे चुनौती दे सके। हिंडनबर्ग की मृत्यु के बाद देश में उसके सम्मुख कोई भी राष्ट्र नेता खड़ा नहीं हो सका। हिंडनबर्ग यदि जीवित रहता तो संभवतः वह हिटलर के उदय को रोक पाता, किंतु हिंडनबर्ग 1934 में मर गया और हिटलर का रास्ता साफ हो गया। इस प्रकार हिटलर ने जर्मनी में एक नाजी सरकार स्थापित कर दी और वह जर्मनी का भाग्य विधाता बन गया। धन्यवाद। इस संदर्भ में आपको संदर्भ ग्रंथ सूची के लिए आप जैन एंड माथुर का विश्व इतिहास, डीएन वर्मा और चौहान का विश्व इतिहास का सर्वेक्षण, यूरोप का इतिहास आदि, डीएन वर्मा का यूरोप का इतिहास, लाल बहादुर वर्मा का यूरोप का इतिहास देख सकते हैं। धन्यवाद।